this is the world of Bollywood and I am Joanna. And over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. Two states ke liye Alia aur Arjun ke song and dance promotion ne kaise kiya unke fans ko crazy at a mall in Mumbai, dikhayenge News Now mein. Hamesha fashionable dikhne ka kitna pressure hota hai Bollywood hotties par, ek style awards night par is sawal ke jawab se kuch stars aaye in focus. Jackie Dada ki film Hero ki flute tune kaise incorporate ki gayi hai unke bete Tiger ki debut film Hero Panti mein, dikhayenge ek special story mein. कौन है सिद्धार्थ मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड और कौन कौन से स्टार्स लगते हैं सिट को बॉलीवुड में सबसे फिटेस्ट, बताएंगे एक स्पेशल स्टोरी में. लेट महमूद साहब की 10th डेथ एनिवर्सरी पर उनके भाई अनवर अली ने रखी 1972 की फिल्म बॉम्बे टू गोवा की स्पेशल स्क्रीनिंग, बिग बी ने लिया स्क्रीनिंग में हिस्सा. बल्कि ये तो था प्योरली हार्ट फेल्ट प्रमोशन ऑफ टू स्टेट्स, जो कि फिल्म के एक्टर्स आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर ने किया मुंबई के एक मॉल में अपने ढेर सारे फैंस के बीच. अर्जुन को मिला हग एंड किस बाय अ फीमेल फैन, तो वहीं आलिया टू वाज इंडीड सरप्राइज्ड बाय द लव फ्रॉम हर फैंस. एक्साइटमेंट को देख आलिया और अर्जुन ने अपने इन फैंस से 18th अप्रैल को टू स्टेट्स देखने का प्रॉमिस भी ले लिया. इसे डांट के भगाओ.
दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि जाने से पहले इन दोनों ने अपने फैंस को किया थोड़ा और एंटरटेन विद इसकी उसकी। अप्रैल को रिलीज हो रही टू स्टेट्स का ये मॉल प्रमोशन रहा कंप्लीट एंटरटेनर फॉर बोथ दीज एक्टर्स एंड देयर क्रेजी फैंस। सुरुचि महातपुरकर, कोरे जिंक, मुंबई। Sexy, glamorous, and stylish. Well, recently held एक style awards के red carpet पर दिखी Bollywood की कई सारी hotties in super dolled up avatars. तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। तुम सोचती हो दुनिया में कोई भी क्यों खराब हो आशा, तुम चाहती हो तुम कोई रंग हर जिंदगी में भर दो भर दो। इसमें कोई शक नहीं कि इस स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर ये सारी हॉटीज लग रही थी सुपर गॉर्जियस, लेकिन इनका ये सुपर गॉर्जियस स्टाइल ही बन गया इस अवार्ड नाइट पर सबसे बड़ा सवाल कि इन सेलेब्स पर फैशनेबल दिखने का कितना प्रेशर होता है। नो प्रेशर, आई डोंट थिंक सो, जरूरी नहीं है। विद्या बालन एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और उनके बाय हर ओन एडमिशन शी सेज शी डजंट अंडरस्टैंड फैशन, सो एंड शी इज स्टिल सो सेलिब्रेटेड एंड सो सक्सेसफुल, सो आई डोंट थिंक कि प्रेशर अपने आप पे हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन तो आप फॉलो करें, अगर आप नहीं हैं तो आप बस अपना काम करें, एक्टिंग करें। प्रेशर आप डालते हैं और हम बोलते हैं छोड़ो, नो प्रेशर। वेल यस, ड्रेसिंग के मामले में तो ऋचा और अदिति कोई प्रेशर फील नहीं करती। और तो और, जब बात आती है इन बॉलीवुड बेब्स के अपने कंटेम्प्रेरीज में से सबसे स्टाइलिश स्टार चुनने की, तो उस पर भी ये हॉटीज देती हैं खुलकर जवाब। आई लाइक कंगना, शी इज वेरी स्टाइलिश, शी इज वेरी स्पंकी, शी नोज व्हाट लुक्स गुड ऑन हर, शी फॉलोज द ट्रेंड्स एंड शी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंपेकेबल। आई रियली लाइक हर स्टाइल। आई थिंक दीपिका, आई रियली लाइक हाउ दीपिका इज ऑलवेज ड्रेस्ड। सबसे ज्यादा स्टाइलिश I think Imran Khan has a very good sense of style because he dresses exactly the way he wants to and the way that he is, so I think it's really cool. Sona, absolutely, she's very stylish and she's a style icon, so it's great. And lastly, they also feel comfortable to share some tips on style and fashion. I enjoy experimenting with clothes and I think it's a lot of fun. But I don't like to take it so seriously because I think that ruins the fun of it. And style is something that you make. You wear the clothes, you make them stylish. Clothes don't make you stylish. Fashion is basically being true to yourself and being comfortable in what you wear and not wear something which you're not comfortable in. But sometimes you have to wear heels which are very uncomfortable, which I personally find very uncomfortable. But kabhi kabar you have to wear it, you know, and that's fine. But normally wear what you're comfortable in. Well, तो ये रहा एक रिसेंटली हेल्ड स्टाइल अवार्ड्स का रेड कार्पेट, जहाँ देखे बॉलीवुड के कई सारे न्यू अपकमिंग और करंट फैशन आइकॉन्स। एक बॉलीवुड इवेंट पर फ्लूट प्लेयर्स। Well, ये कोई म्यूजिकल इवेंट नहीं है, बल्कि ये तो था जैकी दादा के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरो बंदी के फर्स्ट सॉन्ग का लॉन्च, टाइटल्ड विसल बजा, जिसमें इनकॉर्पोरेट की गई है जैकी की डेब्यू फिल्म हीरो में इंट्रोड्यूस हुई ये फ्लूट ट्यून। और इस सॉन्ग के लॉन्च पर इन फ्लूट प्लेयर्स के साथ हीरोपंती के एक्टर्स टाइगर और कृति भी इन फ्लूट्स के साथ पोज करते नजर आए।
लेकिन इस सॉन्ग लॉन्च के साथ ही सॉन्ग के वीडियो में भी फ्लूट बजाते नजर आ रहे टाइगर से जब हमने पूछा कि क्या उन्होंने एक्चुअली इस सॉन्ग में फ्लूट बजाई है तो टाइगर ने अपना भांडा फोड़ दिया। तो आपने रियल में सीखा? नहीं, वो एक्टिंग थी मैम। थैंक यू। यही नहीं, पापा के साथ कंपैरिजन की टेंशन के बारे में पूछे जाने पर भी टाइगर ने दे दिया ये बिंदास जवाब। आप चीज़ के लिए तैयार हैं? आपकी पहली फिल्म आ रही है, आपका कहना है कि कंपैरिजन जैकी से? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं, पर मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं सर, क्योंकि अगर सोचूंगा तो बात क्या है, डैड्स प्रेजेंस, उनका पर्सनैलिटी, मतलब ज्यादा प्रेशर आ जाता है सर, तो अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो ये मेरी नहीं सुनता। Oops, looks like टाइगर भी अपने पापा जैकी की तरह ही बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देने में विश्वास रखते हैं। ये मेरी नहीं सुनता। तो देखिए ना कैसे अपने सीनियर्स आमिर और सलमान खान को भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते टाइगर। किससे इंस्पिरेशन? सलमान ने ब्रूस ली से, ब्रूस ली। हाँ जी। टाइगर जैकी के साथ साथ क्या आमिर से भी कुछ टिप्स ले रहे हैं खास? एक्चुअली नॉट रियली मैम, बस आमिर सर से ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल। वैसे बॉलीवुड के खांस तो शायद हीरोपंती की हीरोइन कृति को भी कुछ खास एक्साइट नहीं करते। आई थिंक खांस के साथ आए या किसके साथ लॉन्च हुए उससे ज़्यादा होता है कि पिक्चर कैसी है, आपका रोल कैसा है, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना टैलेंट दिखाने की, आप उसमें एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे। सो आई थिंक दैट इज़ अ बिगर थिंग फॉर मी। मुझे ये पिक्चर की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, मुझे मेरा रोल डिम्पी का रोल बहुत अच्छा लगा था। यानी कॉन्फिडेंट हीरो एंड इक्वली कॉन्फिडेंट हीरोइन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाली फिल्म हीरोपंती क्या वाकई बॉक्स ऑफिस पर धमाल क्रिएट कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हियर इज विशिंग देम गुड लक। सुरुचि महतपुरकर, कोरे जिंक, मुंबई। एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन कवर्स पर फीचर करने के साथ ही उसे अनवील करते हुए नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन्ना सोना, इन्ना कूल, मुंडा, इन्ना वंडरफुल, एनु वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ माय गॉड। थैंक्स टू ऑल द लेडीज, आई थिंक गर्ल्स, बिकॉज़ गर्ल्स लाइक लव बट दे डोंट लाइक लव हैंडल्स, सो इट्स ऑल थैंक्स टू देम दैट गाइस वांट टू कीप फिट, स्टे फिट, एंड वी कीप वर्किंग ऑन फॉर इट। And it's taken me 7 years to remove my shirt and get not so wet and land up there, and just with jeans. And then that was a cool, I think, selfie image which Shumendra has done with us. So thank you. इंटरेस्टिंग है। वैसे सिद्धार्थ का खुद को फिट और टोन्ड अप रखने के लिए किसी फीमेल इंस्पिरेशन का होना कितना जरूरी है ये आप खुद सिद्धार्थ से ही सुनिए। लड़कियों को प्यार पसंद है पर यू नो लव पसंद है, लव हैंडल नहीं, सो वी आर ऑल डूइंग इट फॉर द गर्ल्स, आई डोंट थिंक सो वी आर ऑल डूइंग इट फॉर आवर फ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड गाय फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर द गर्ल्स, सो नॉट वन इन पर्टिकुलर, देयर आर लॉट ऑफ देम, वी गेट, आई विल शो यू माय रिप्लाइज ऑन ट्विटर, अ लॉट ऑफ गर्ल्स देयर, बट यू कैन रीड इट, देयर लॉट्स ऑफ देम, सो व्हाई पिक वन और टू। वंडर कहीं ये मोटिवेशन आपको आलिया और परिणीति से तो नहीं मिल रही है सिद्धार्थ, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही कॉफी विद करण में आपको डिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया था। Oh, they're just being nice and sweet. It's a good tag, it's a cool tag, I work with both of them. I think it you feel excited that they think that. I think they take my name first in that list. Yeah, so then see, that's good PR on my side and keeping them happy and keeping them excited. But yeah, it feels great. I think that you're desirable. Everybody wants to be, and hopefully it stays. I think staying up there in that list is tough, rather than making it. Why is your girlfriend a bigger secret than Rahul Gandhi, sir? Oh, really? Is it?
Who's Rahul Gandhi? No, as I said, I think it's personal life is personal life. I could be meeting, you know, 10 different kind of people in my personal life. That should not matter. What I do in front of the camera is all for you to see and criticize or appreciate. But my personal life is mine, so I like to keep it that way. It's simple. Well, girlfriend ka naam na sahi. Kam se kam jaate jaate Bollywood ke fittest stars ka naam hi batate jaiye, Siddharth. All the men are really fit today. It's very tough to pick, you know. I've grown up in a time where I saw from, say, Salman Khan to even Hrithik Roshan was the first to become that lean, athletic kind of look. He's great today. All the young boys are, you know, all of us who just started off are all young. You know, Veer Varun, you know, Arjun, Shashant, everybody. When we sing, you know, I think Vidyut has a great athletic physique. I saw a new trailer of this one's film, what is that, Heeropanti. Amongst the girls, Vivek and Katrina are on top. तो कुछ ऐसा रहा ये कवर पेज लॉन्च फीचरिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड फ्लॉन्टिंग हिज वेल कैप्ड एब्स। मर्दों को ऐसे एक किस्म के कपड़े उतारना या उनको ऐसे बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज के टाइम पे आई थिंक इट स्टार्टेड विद मिस्टर सलमान खान एंड संजय दत्त व्हेन दे स्टार्टेड, यू नो, मेन स्टार्टेड शोइंग देयर फिजिक, सो इट्स अ स्टेटमेंट दैट दे मेक एंड नाउ टुडे इट्स बिकम अ प्रीरिक्विजिट कि यू शुड हैव अ गुड फिजिक। होपफुली इन टू इयर्स गर्ल्स टेक ओवर एंड लेट्स प्रेशर ऑन अस टू शो आवर एब्स। देखाना है रे सोचाना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अमिताभ बच्चन और इन बी टाउनर्स को हमने स्पॉट किया 1972 की सुपरहिट फिल्म बॉम्बे टू गोवा की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जो ऑर्गेनाइज किया बॉलीवुड के लेजेंडरी कॉमेडियन महमूद की 10th डेथ एनिवर्सरी पर उनके भाई अनवर अली ने। Amusing feeling, and by the song he's very moved, and he's looking forward to having a fabulous evening with all his friends. Purani film hai jisme Mehmood bhai ke kehne par mujhe lead role mila tha shayad pehli baar, aur bahut purani yaadein abhi dekh karke yaad aa rahi hain, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहां। आपको बता दें कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में महमूद के साथ अमिताभ बच्चन, अनवर अली, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुणा ईरानी ने स्टार किया था, जो आज भी महमूद की कॉमिक टाइमिंग की वजह से क्लासिक्स में गिनी जाती है। महमूद भाई हमेशा न जाने किस वजह से मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, और उनके घर में अनवर अली मेरे बहुत करीबी मित्र थे। हम लोग साथ हिंदुस्तानी में एक साथ हमने काम किया, उसके बाद हम दोनों एक साथ में ही रहे, और मैं उनके घर काफ़ी सालों तक रहा, और हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। ये एक ऐसा अनुभव था जो कि अब पुरानी यादें सब हमें याद दिलाती हैं। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। तो कुछ ऐसी रही ये स्क्रीनिंग, जहां 42 इयर्स के बाद फिल्म की कास्ट भी बिग बी के साथ फिल्म को एंजॉय करते हुए नजर आई। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.